राम साथियों, एक्सेल क्लास का पांचवा दिन है। अब हम शुरुआत करेंगे कि एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलों का कैसे प्रयोग किया जाता है और उन फॉर्मूलों में किस फंक्शन का यूज आपको करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने एक्सेल ओपन है, यहाँ ये जो पेज है इसको बोला जाता है सीट। तो मैं इसमें कुछ डाटा टाइप कर लेता हूं। तो यहां हमने कुछ वैल्यू टाइप की, और अगर आप भी प्रैक्टिस करें तो इस तरह से वैल्यू टाइप कर लें और एंड टू एंड आप प्रैक्टिस करते चलेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी। तो हमने यहां एक वैल्यू टाइप की। अब ये वैल्यू क्या है मैं बता देता हूं। तो मैंने यहां टाइप किया 50, यहां टाइप किया 20, यहां टाइप किया मैंने 30, यहां 10, यहां 100, यहां 200, यहां 300, यहां 40, यहां 4, यहां 3, ये वाला सेल हमने खाली रखा। यहां लिखा हमने 1, यहां लिखा हमने 200 और यहां लिखा हमने 2%। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि जहां हमने वैल्यू लिखी है उस सेल का नाम क्या है। तो सेल का एड्रेस ज्ञात करने के लिए आपको बताया था कि पहले कॉलम का नाम पढ़ना है फिर रो का नाम। तो ये जो 50 लिखा हुआ है ये है A1 में, यानी कि A तो है कॉलम और 1 क्या है इसकी रो। तो इस 50 का एड्रेस क्या हो गया A1। ये 20 कहां लिखा हुआ है A2 में, ये 30 कहां लिखा हुआ है A3 में, ये 10 कहां लिखा हुआ है A4 में, इसी प्रकार ये 100 कहां लिखा हुआ है B1 में, ये 200 कहां लिखा हुआ है B2 में, ये 300 कहां लिखा हुआ है B3 में, ये 40 कहां लिखा हुआ है B4 में, ये 4 कहां लिखा हुआ है C1 में, 3 कहां लिखा हुआ है C2 में, C3 वाला सेल खाली है जिसमें हमने कुछ नहीं लिखा, C4 में क्या लिखा है A, फिर 200 कहां लिखा है D1 में, और ये 2% कहां लिखा है हमने D2 में। तो हमने यहां कुछ डाटा टाइप किया, इसी डाटा के आधार पर अब हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि एक्सेल में कैलकुलेशन कैसे होगी, फॉर्मूला कैसे प्रयोग करेंगे और उन फॉर्मूलों में किस फंक्शन का यूज होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सम यानी कि जोड़ कैसे होता है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव कैसे होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि इन संख्याओं का गुणा कैसे होगा, फिर उसके बाद डिवाइड यानी कि भाग कैसे होगा, फिर अब हम सीखेंगे आगे मैक्स यानी कि जितनी भी ये संख्या दे रखी है इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, फिर सीखेंगे हम मिन यानी कि जितनी भी ये संख्या दे रखी है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे काउंट। काउंट का मतलब होता है कि जितने भी ये सेल हैं इनमें अंक वाले सेल कितने हैं, और अगर हम लिखेंगे काउंट ए तो इसका मतलब है अंक और अक्षर वाले सेल कितने हैं। तो काउंट का मतलब है गिनना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, काउंट तो उन सेलों को गिनेगा जिनमें अंक हैं यानी कि डिजिट्स हैं, और काउंट ए उन सेलों को गिनेगा जिनमें डिजिट्स और लेटर है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इनको हम यहाँ थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लें, इसका कलर चेंज कर लें ताकि हमें लगे कि हाँ भाई ये हेडिंग हमने टाइप कर ली, अब हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम निकालना है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि भाई ये जो 50 है, 20, 30 और 10, इन चारों संख्याओं का मुझे जोड़ करना है। तो कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको इज इक्वल का सिंबल लगाना है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 प्लस 20 प्लस 30 उसके बाद 10। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो अब आपको यहां रिजल्ट दिखाई देगा, और फॉर्मूला कहां दिखाई देगा, फॉर्मूला बार में। तो हमने क्या किया, इज इक्वल 50 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10, जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया तो आपके सामने क्या आ गया, रिजल्ट। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू जोड़ी। अब हम चाहे तो ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इज इक्वल, अब ये 50 कौन से सेल में लिखा हुआ है A1 में, फिर प्लस ये 20 कहां लिखा हुआ है A2 में, प्लस ये 30 कहां लिखा हुआ है A3 में, प्लस और ये 10 कहां लिखा हुआ है A4 में, और एंटर। तो इससे भी रिजल्ट वही आएगा, लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ऊपर वाले में इस वाले सेल में हमने वैल्यू जोड़ी और इस वाले सेल में हमने सेल को ही जोड़ा है, यानी कि अगर हम यहां कोई भी वैल्यू चेंज करें तो आंसर वही बदलेगा जिसमें हमने सेल का नाम लिखा था, और सेल का नाम हमने इस वाले फॉर्मूले में लिखा था। तो आप देख सकते हैं बराबर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4।
तो अगर आप ये चाहते हैं कि अगर हम इनपुट बदलें और आउटपुट चेंज हो जाए तो आपको हमेशा सेल का नाम लेकर काम करना है। और अगर मैं वापस यहां 20 लिखूं, एंटर करूं, तो आंसर वही आएगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं एक साथ इन्हें जोड़ना चाहूं तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल, अब यहां फंक्शन यूज होगा सम, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। अब आपसे पूछा जा रहा है नंबर वन नंबर टू, यानी कि आपको यहां या तो आप एक एक सेल लिख सकते हैं A1, A2, A3, A4, जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। लेकिन अब हम एक एक सेल कब तक लिखें, क्यों ना एक साथ सबका टोटल आए, तो क्या लिखेंगे हम, इज इक्वल सम ब्रैकेट में A1। तो हमें ये कहां से कहां तक जोड़ना है, A1 से लेकर A4 तक। तो ब्रैकेट के अंदर आपको रेंज लिखनी है A1, रेंज के लिए लगाएंगे कॉलन और उसके बाद A4। जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो अब आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो आप चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो सेल का नाम लिख सकते हैं, आप चाहे तो एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक साथ अगर जोड़ना है तो हम ये रेंज वाला तरीका अपनाएंगे। तो अब यहां ये फंक्शन क्या हुआ और फॉर्मूला क्या हुआ, तो हमने क्या लिखा, इज इक्वल सम ब्रैकेट में हमने लिखा A1 से लेकर A4 तक और हमने एंटर बटन प्रेस किया। लास्ट में आपको एंटर बटन प्रेस करना है, उसके बाद ही रिजल्ट आएगा। तो ये जो पूरा हमने लिखा है इसको तो बोला जाएगा फॉर्मूला, पूरे को क्या बोला जाएगा, फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अंदर ये जो हमने सम लिखा है इसे कहते हैं फंक्शन, क्या बोलते हैं इसे, फंक्शन। और ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिखा है इसको बोलते हैं रेंज और पूरे बोलेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो हमने पहले भी सीखा है, इज इक्वल A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो ये क्या है, फॉर्मूला तो है लेकिन इसके अंदर फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का यूज तब किया जाता है यदि हमें काम आसान करना हो, और हमने यहां कौन सा फंक्शन यूज किया है, सम। और उससे क्या हुआ कि A1 से A4 तक एंटर करते ही, जैसे ही आपने A1 से A4 लिखा, एंटर किया, तो आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो इस प्रकार से आप जो है फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगला है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। अच्छा, अगर हमसे कहा जाए कि भाई ये सब जोड़ना है, ठीक है, यानी कि A1 से और कहां तक, D4 तक, हमें ये पूरा कैलकुलेट करना है, तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल सम ब्रैकेट में क्या आएगा, A1 से और कहां तक आएगा, D4 तक। अब आप सोच रहे होंगे D2 तक क्यों नहीं है, अगर आप ऐसे D2 उठाओगे तो इसका मतलब क्या हुआ, A1 से D2, यानी कि A1 से और D2 यहां तक ही आएगा, 4 तक नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, 4 तक लिया, यानी कि उसमें जो A1 से D4 है, रेंज जो ली है उसमें वैल्यू हो या ना हो, ठीक है, वैल्यू ना होगी तो उसकी वैल्यू क्या मानेगा, 0, और वैल्यू है तो उसे एड करके चलेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने टोटल आ जाएगा। तो अगर आपको एक साथ जोड़ना है तो आप इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। अब आपको यह पता है कि घटाव हमेशा दो संख्याओं का होता है, तो मान के चलिए 300 में से मुझे 40 घटाना है, तो एक तरीका तो यही है, पहले तो सबसे पहले इज इक्वल लगाएंगे 300 माइनस 40 और उसके बाद एंटर, आंसर आ जाएगा। या फिर हम वैल्यू ना लिख के सेल के नाम लिखे, तो 300 कौन से सेल में लिखा हुआ है, B3 माइनस, और 40 कहां लिखा हुआ है, B4। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका कोई फंक्शन नहीं है, इसका फॉर्मूला तो है पर फंक्शन नहीं है। जैसे जोड़ कई संख्याओं का होता है तो घटाव हमेशा दो संख्याओं का ही होता है। उसके बाद मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। अब जैसे जोड़ कई संख्याओं का था तो गुणा भी कई संख्याओं का होता है, अब गुणा कैसे करेंगे, अब मान लो मुझे 50, 20, 30 और 10 इन सब का गुणा करना है, तो फिर से भाई इज इक्वल लगाएंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखें 50, मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का सिंबल लगाते हैं, फिर उसके बाद 20, फिर एस्ट्रिक का सिंबल, फिर 30, फिर एस्ट्रिक और उसके बाद 10। जैसे ही एंटर करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब हम वैल्यू ना जोड़ के सेल, वैल्यू ना गुणा के सेल का गुणा करें, तो 50 का है A1 में, गुणा A2, गुणा A3, गुणा A4, और उसके बाद एंटर करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा, पर एक साथ गुणा करना है तो अब इसका फंक्शन यूज होगा
प्रोडक्ट लेकर ए ब्रैकेट बंद, तो आपने क्या लिखा से ए फोर, जैसे ही एंटर करेंगे तो रिजल्ट आपके आएगा। तो हमने यहां पे क्या यूज किया, इज इक्वल प्रोडक्ट और ब्रैकेट में ए वन से ए फोर। अब आप यहां अगर गौर करें तो दोनों ही फॉर्मूलों को लिखने का तरीका सेम है, यानी कि यहां भी सेम वही तरीका है और यहां भी वही तरीका है। सिर्फ फर्क क्या है कि यहां फंक्शन यूज किया है सम जो प्लस करता है और यहां फंक्शन यूज किया है प्रोडक्ट जो मल्टीप्लाई करेगा। तो फॉर्मूला लिखने का तरीका सबका सेम है, बस आपको यह देखना है कि हमें रिजल्ट क्या चाहिए। जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा फंक्शन आपको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब अगला है डिवाइड यानी कि भाग। अब भाग भी हमेशा दो संख्याओं का होता है, मान लो 300 में 40 से भाग देना है तो इज इक्वल 300 डिवाइड के लिए स्लैश लगाएंगे और 40 एंटर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यू ना लिख के सेल का नाम लिखें तो B3 डिवाइड बाई और एंटर करेंगे तो डिवाइड भी आएगा। तो जैसे सब्ट्रैक्शन का कोई फंक्शन नहीं है ऐसे ही डिवाइड का भी कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। जोड़ने के लिए फंक्शन क्या यूज किया सम और मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन क्या यूज किया हमने प्रोडक्ट। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, फिर अगला फॉर्मूला सीखते हैं। अगला है मैक्स। मैक्स का मतलब यह है कि मान के चलिए एक रेंज है हमारे पास A1 से D4 तक। अब हमको क्या बोला गया कि A1 से D4 तक सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो फटाफट कमेंट करके जब तक बताइए आप मुझे। तो A1 से D4 तक सबसे बड़ी संख्या है 300, तो अब फॉर्मूला क्या लगेगा इज इक्वल मैक्स। तो अब हमने बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए फंक्शन क्या यूज किया मैक्स। अब ब्रैकेट में वही कहां से कहां तक, तो A1 से D4 तक, तो फॉर्मूला क्या बन गया इज इक्वल मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट फिर A1 कॉलन D4 और कॉलन ब्रैकेट बंद। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने सबसे बड़ी संख्या आएगी, और अगर हमें छोटी संख्या निकालनी है तो इज इक्वल मिन और A1 से D4 ब्रैकेट बंद। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने सबसे छोटी संख्या आ गई, और सबसे छोटी संख्या क्या शो कर रहा है 2%। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो अगर आपके 2% को इस प्रकार से लिखें, ठीक है 2/100, तो डिवाइड होके क्या आएगा ये आपका 0.02। तो सबसे छोटी संख्या यही तो हुई, तो इस पूरी रेंज में सबसे छोटी संख्या हो गई 2/100 यानी कि 2%, उसको डिवाइड करके कैलकुलेट करके शो कर दिया है। अगर मान के चलो हम यहां लिखें इज इक्वल मिन और हम रेंज उठाएं A1 से B4 तक, अब जैसे ही एंटर करेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है A1 से B4 तक 10, और अगर मैं लिखूं इज इक्वल मिन A1 से C4, तो अब आप बताइए कमेंट करके कि A1 से C4 तक सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी क्या है 3। तो ये अपने आप कैलकुलेट करेगा कि छोटी संख्या कौन सी है बड़ी संख्या कौन सी है, बस आपको फंक्शन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगला क्या दे रखा है काउंट। काउंट का मतलब है कि जो रेंज हम सेलेक्ट करेंगे उस रेंज में से अंक वाले सेल उठाएगा, तो हमने लिखा इज इक्वल काउंट ब्रैकेट और A1 से D4। जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा एंटर करूंगा, अब आप मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो काउंट क्या बताया, भरे हुए सेल बताएगा वो भी अंक वाले डिजिट वाले, तो आंसर क्या आया 12। अब आप काउंट करके देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो 12 आ गया यानी कि डिजिट्स वाले सेल कितने 12। अब हम क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं इज इक्वल काउंट ए और ब्रैकेट में A1 से D4। अब इससे क्या आएगा, तो इससे आता है कि जो अंक और अक्षर वाले सेल है, तो जैसे ही एंटर करेंगे तो आंसर क्या आया 13। क्यों, 12 तो हो गए अंक वाले सेल और एक क्या हो गया अक्षर वाला सेल, तो टोटल भरे हुए सेल कितने हैं, टोटल भरे हुए सेल है 13। अगर मैं यहां लिखूं काउंट ब्लैंक, यानी कि अब हम एक नया फंक्शन सीख रहे हैं जिसका नाम क्या है काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक से क्या होगा, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा काउंट ब्लैंक यानी कि खाली सेल गिनना। तो मैंने लिखा काउंट ब्लैंक और ब्रैकेट में रेंज लिया A1 से D4,
तो अब आप फटाफट बताइए कि इसमें कितने सेल खाली हैं, यानी कि A1 से D4 तक कितने सेल खाली हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये, जैसे ही एंटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। तो इस प्रकार से आप एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलों का प्रयोग कर सकते हो। अभी हमने ये फॉर्मूला छोटे रूप में सीखे, फिर इन्हीं फॉर्मूलों को हम बड़ी सीट में इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो अब हमने क्या क्या सीखा, एक बार उनको लिखने का तरीका बताता हूं। तो हमने जोड़ करना सीखा, तो उसका फंक्शन यूज किया था सम, और ब्रैकेट में हमने लिखा A1 से D4, तो A1 से D4 तक जो भी टोटल होगा वो आपके सामने आएगा। गुणा करने के लिए अगला फंक्शन क्या पढ़ा हमने, इज इक्वल प्रोडक्ट, और ब्रैकेट में मान लो हमने लिखा A1 से A4, तो A1 से A4 तक जो भी गुणा होगा वो आ जाएगा। उसके बाद बराबर हमने क्या लिखा, मैक्स, और ब्रैकेट में A1 से D4, तो A1 से D4 तक जो सबसे बड़ी संख्या है वो ज्ञात होगी। अगर हमने लिखा बराबर मिन, और ब्रैकेट में A1 से D4, तो A1 से D4 तक जो सबसे छोटी संख्या है वो आएगी। उसके बाद हमने लिखा बराबर काउंट, और A1 से D4, तो क्या मतलब हुआ कि जो अंक वाले सेल है भरे हुए उनको गिनेगा, और अंक और अक्षर वाले सेल गिनने तो लिखना है काउंट A, और ब्रैकेट में A1 से D4, और खाली सेल गिनने के लिए हमने क्या बताया था, काउंट ब्लैंक। अच्छा, ये फॉर्मूला आप जो है स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लिखो, आपकी मर्जी है, बस स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में इतने फंक्शंस का इस्तेमाल करना सीखा। तो सम फंक्शन का यूज किस लिए होता है, जोड़ने के लिए। प्रोडक्ट फंक्शन का यूज किस लिए होता है, गुणा करने के लिए। मैक्सिमम फंक्शन का यूज होता है बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। मिन फंक्शन का यूज होता है छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए। काउंट फंक्शन का यूज होता है आने भरे सेल गिनने के लिए, वाले भरे हुए सेल गिनने के लिए, यानी कि कौन कौन से सेलों में डिजिट्स लिखी हुई है। काउंट ए का मतलब होता है अंक और अक्षर वाले सेल गिनने के लिए, कि कौन कौन से सेलों में अंक और अक्षर है, और काउंट ब्लैंक का मतलब होता है खाली सेल गिनने के लिए। तो आज की क्लास में हमने ये फंक्शन सीखे, और इस प्रकार से आप एक्सेल में काम कर सकते हैं। ये एक्सेल की एक शुरुआत है, ठीक है, और बाकी आगे हम और भी फंक्शन सीखेंगे। बाकी आपके कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट करके बताइए। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।